नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत बिहार की नींद में सोई शिक्षा व्यवस्था को झकझोर कर जगाने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक कितने दिनों तक विभाग में रह पाएंगे सूत्रों की बात माने तो शिक्षा विभाग में उनके कुछ ही दिन बचे हुए हैं फिर उनका तबादला किसी और विभाग में हो जाएगा लेकिन शिक्षा विभाग को जिस प्रकार से उन्होंने गति दी इसके लिए उन्हें याद जरूर रखा जाएगा अब आप समझिए कि शिक्षा विभाग को जागरूक करने वाले के के पाठक का तबादला क्यों होगा तो इसके पीछे भी राजनीति है अब अफसर तो एक जगह रह नहीं सकता है और अगर आप पूछेंगे तो सरकार कहेगी कि ये रूटीन तबादला होता है सभी अफसरों का और ये भी वही है लेकिन इसमें और इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के विधायक यानी कि महागठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं उसके विधायक जिस तरह का बयान दे रहे हैं और पार्टियों की तरफ से जो दबाव बन रहा है के के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाने को लेकर तो कहीं कही ना कहीं सरकार को ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि गठबंधन की सरकार है अब आप देखिए पिछले दिनों जिस प्रकार से बयान आया सत्ताधारी जो गठबंधन में शामिल विधायक हैं विधायकों का मुन्ना यादव आरजेडी के उन्होंने कहा कि ये जो है भाजपा के लिए काम करते हैं इनको भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं और तमाम तरह की बातें इसी तरह से जो प्रतिमा दास हैं उन्होंने भी कहा कि के के पाठक जो हैं उन के के पाठक को नेता बनने का शौक है और वे भाजपा की सह पर शिक्षा विभाग को बर्बाद करने में लगे हुए हैं मुंडा यादव ने तो बहुत सारी बातें कहीं खैर इन बातों पर नहीं पढ़ना है सीपीआई मतलब वामपंथी दल भी लगातार के के पाठक के विरोध में ही रहे हैं उनके कई फैसलों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं देखिए विपक्ष अगर आरोप लगाता है जैसा कि यहाँ के विपक्ष जो बीजेपी है और भी जो उसकी सहयोगी दल हैं वो जब आरोप लगाते हैं विभाग पे तो वो एक अलग मसला होता है लेकिन सत्ता में शामिल विधायक या लोग अगर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप देख लीजिए कब से मृत प्राय पड़ी हुई थी कोई देखने वाला नहीं था शिक्षक स्कूल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बच्चे स्कूल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है बीच बीच में मीडियाकर्मी कभी किसी स्कूल में चले गए और टीचर का टेस्ट ले लिया तो पता चलता था कि टीचर तो जीरो बट्टा सन्नाटा है तो इस प्रकार की खबरें आती थी पर आज के दौर में आप देखें तो के के पाठक के आने के बाद से शिक्षक समय पर स्कूल जा रहे हैं बच्चे भारी संख्या में स्कूल आ रहे हैं पढ़ाई भी हो रही है अब बच्चे जाएंगे तो टीचर को तो पढ़ाना ही पड़ेगा कुछ आदेश उन्होंने जारी किए कि भाई सुबह नौ बजे से शाम पाँच बजे तक टीचरों को रहना है स्कूल में उसका पालन हो रहा है छुट्टियों में कटौती की गई तो बीजेपी नाराज़ हो गई अब छुट्टियों में ये कहा गया कि भाई हिंदू हिंदुओं की छुट्टी में कटौती कर दी गई है मुसलमानों की छुट्टियों को बढ़ा दी गई है दो दो कैलेंडर जारी किए गए हैं इसी सब के एवज में बीजेपी तुष्टिकरण का आरोप लगाती है तो सत्ताधारी दल जो है उसके जो विधायक हैं वो कहते हैं कि ये बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से कैसे काम चलेगा अगर आप शिक्षा को भी राजनीति से जोड़ देंगे जहाँ बच्चों का नवनिर्माण होता है वहाँ उस जगह को अगर राजनीति से जोड़ दिया जाए वोट बैंक से जोड़ दिया जाए तो फिर आ, शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है और के के पाठक ने एक चीज़ तो कर ही दिया है आप देखिए प्रत्यक्ष रूप से आप इसका अनुभव भी कर सकते हैं पटना हो या कोई जिला मुख्यालय का शहर हो दिन भर पहले कोचिंग में बच्चे पढ़ने जाते थे कोचिंग का बस्ता लटकाए लेकिन के के पाठक ने एक चीज़ तो तय कर दी है कि भाई नौ से चार के बीच में आप कोचिंग नहीं चला सकते पहले ये आदेश आया था हालाँकि हाईकोर्ट ने इस आदेश को रिवोक कर दिया ख़त्म कर दिया है पर अब बच्चों को स्कूल जाना ही है क्योंकि उन्हें पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति चाहिए अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे तो एग्जाम ने एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं तो इन परिस्थितियों में आप देखेंगे तो कोचिंग संस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सन्नाटा वहाँ पर पसरा हुआ है एक और चीज़ के लिए आलोचना की जाती है एक और आदेश के लिए कि शिक्षकों पर जो एक प्रतिबंध लगाया गया है एक तरीके का उनके बोलने पर उनके आ, किसी प्रकार के बयान को लेकर अनर्गल बयान को लेकर और सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ जाकर बोलने को तो उस पर शिक्षक खामोश हैं शिक्षक कुछ बोल नहीं रहे हैं देखिए अनुशासन तो एक कर ही दिया है के के पाठक ने यह अलग बात है कि शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उनका कहना है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है ठीक है ये हनन है लेकिन सरकार की तरफ से जो आदेश जाते हैं उस आदेश को अगर शिक्षक ही उसका विरोध करने लगे खुलकर जैसा कि पहले हुआ होता रहा है पहले तो इतने आदेश भी नहीं आते थे आजकल तो हर एक दिन या दूसरे दिन एक आदेश आता है शिक्षा विभाग का निर्देश जिसका पालन करना होता है तो इससे व्यवस्था बनी है बिगड़ी नहीं है मेरे ख्याल में और बाकी तो आप कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार की हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है बिहार की खासतौर पर सत्तर के दशक के बाद से आ, पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं थी और इसी की वजह से प्राइवेट जो स्कूल हैं या कोचिंग संस्थान हैं वो काफ़ी फल फूल रहे थे इनके दौरान के के पाठक के टेन्योर में ये आ, इसमें कमी आई है और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई काम करे आदमी तो आलोचना तो होती है आलोचना काम करने पे ही होती है अगर कोई काम नहीं करे कुछ भी नहीं करे तो उसकी कोई आलोचना नहीं होगी तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग ने पिछले कुछ महीनों से जो सुधार कार्यक्रम चलाए हैं उसको जारी रखने की ज़रूरत है कुछ आदेश जिसको अनर्गल कहा जा रहा है तुगलगी कहा जा रहा है उस आदेश पर समीक्षा होनी चाहिए हालांकि के के पाठक की लोकप्रियता आम जनों में मैंने देखा सोशल मीडिया में सब उनकी सराहना कर रहे थे शिक्षक तो खैर बोल ही नहीं सकते बोलेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी नेता जरूर उन पर बयान दे रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि अगर जनता साथ है तो के के पाठक को कुछ और समय मिलना चाहिए विभाग में ताकि व्यवस्थाओं में और सुधार आ सके शिक्षक भी काफ़ी शिक्षकों में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं हालांकि शिक्षकों को काफ़ी कड़े अनुशासन में बांध रखा है के के पाठक ने कि शिक्षक भी हैं और मुख्यमंत्री ने तो खुद उनकी काफ़ी प्रशंसा की है तो कुल मिलाकर देखिए तो के के पाठक का ये टेन्योर याद रखा जाएगा हाँ इसमें कुछ और समय उनको देने की ज़रूरत है आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार